नमस्कार, बिफोर प्रिंट में खबरों का सिलसिला जारी है और बात करते हैं बिहार की राजनीति में इस समय तेजस्वी यादव की शादी और उसके बाद में जो आशीर्वाद समारोह चल रहे हैं और लोग जो कार्यकर्ता और जितने भी शुभचिंतक हैं लालू परिवार के वो सब पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जो राजद की जो महिला नेता हैं नमिता नीरज सिंह उनका नाम है वो पहुंची और उन्होंने जो तेजस्वी की पत्नी राजश्री को एक तलवार भेंट की महिलाओं के सम्मान के हिसाब से और उसके बाद में एक पोर्ट्रेट भी दिया गया। तो उसमें जो है इस तरह का जो सिलसिला चल रहा है ये आपको फोटो में दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार तेजस्वी यादव की शादी के बाद से लोग का बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, बहुत से मिल रहे हैं। और हमने जैसे कि एक खबर में आपको ये भी बताया था कि इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी समझ में आता है कहीं ना कहीं, जो राजनीतिक विश्लेषक है बिहार की राजनीति को बहुत करीबी से देखने वाले ये कहते हैं कि राजश्री को एक राइट हैंड की तरह और वो ग्रूमिंग कर रखी की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से और इसी के तहत किस तरह से नेताओं से मिलाना और नेताओं से जिस तरह से वो अच्छी तरह से मिल रही हैं उसकी भी चर्चा और फोटो और उसके बाद में जिस तरह का जो माहौल है वो स्वयं कितनी विनम्रता से मिलती हैं और चीज़ों को समझ रही हैं। तो आने वाली जो राजनीति बिहार की होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं राजश्री एक बड़ा रोल निभा सकती है, ऐसा संदेश भी इस तरह के जो बधाई और शुभकामनाएं संदेश देने वाली जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं इनके तहत भी देखा जा सकता है। तो खैर ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है लेकिन हम बात करते हैं व्यवहारिक मुद्दे की और पारिवारिक मुद्दे की। तो मुद्दा ये है और देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, क्रोश है कि वो अपने नेता से मिले और नेता की जो बहू है उनसे मिले। फोटो के साथ में आपको छोड़े जा रहे हैं, देखते रहिए बिफोर प्रिंट। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।